नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियन के सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं फैशन डिजाइनर्स की, जिन्होंने हम ड्रेसिस के नाल नाल मैचिंग मास्क भी बनाने शुरू कर देते हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट साडे कैमरामैन नवल कुमार की। मेरा नाम है सिमरन कालरा और मैं यहाँ कतरन बुटीक से बोल रही हूँ, BRS नगर। यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ आती हैं जो अपना आउटफिट वगैरह बनवा रहे हैं आजकल सारे लेडीज़, तो उनको अपने सूट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइनर मास्क चाहिए होते हैं। कोई लोग जो उनका कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग ही हम सेम बनाते हैं, साथ में हम लेस वगैरह लगा के ये सब चीज़। में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल, या पुलिस मैन जो कि अपने पगड़ी वगैरह के साथ इसको टाई कर सकते हैं, बिकॉज उनको इलास्टिक में बहुत प्रॉब्लम आती है, सो दे कैन टाई इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन फेस। थोड़ा ऊपर करना आपका नाम? हेलो एवरीवन, आई एम पारुल वर्मा एंड आई एम अ डिजाइनर एट जे डॉर द स्टाइलिंग स्टूडियो। जी, और COVID-19 के चलते काफ़ी सरकार ने हिदायतें दी हैं कि आप मास्क पहने, लेकिन इस साथ आप कुछ नए भी मास्क निकाले जो खास कर मैच कर रहे हैं ड्रेसेस से, क्या समझते हैं ऐसा? देखिए, जैसे अब ये सबको पता है कि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है और इससे बहुत ज़्यादा एक आम इंसान और सबको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, बट जैसे हम हाय, दिस इज साहिबा एंड मैं आज तनम स्टोर पर हूँ, ज्योति बंसल, एंड आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डिज़ाइनर मास्क पहना है क्योंकि गवर्नमेंट ने COVID-19 के चलते हुए मास्क कंपल्सरी कर दिया है, सो एवरीबडी हैज़ टू वेयर मास्क। बट मास्क पहनने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग फैशन में नहीं रह सकते, बिकॉज डिज़ाइनर मास्क अवेलेबल हैं ज्योति बंसल के यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि माय मास्क मैचेस विद माय आउटफिट, सो यू कैन बी स्टाइलिश। हाँ जी, मेरा नाम ज्योति बंसल है और मैं तानम स्टोर चलाती हूँ, और अब क्योंकि मास्क हमारी डेली रिक्वायरमेंट हो गई है, गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, सो अब हम लोग यहाँ पे मास्क डेवलप करवा रहे हैं विच आर प्योरली कॉटन 3-ply मास्क है, जिसमें हम लोग एक फिल्टर लेयर दे रहे हैं। मार्केट में हमें बहुत मास्क मिल रहे हैं, बट राज्य के 14 लाख गैर स्मार्ट कार्ड जो राशन कार्ड होल्डर्स ने उन्होंने जड़ा है राशन जड़ा वो बिल्कुल फ्री दिता जाएगा उन्होंने मदद के तौर पर, सो इस बारे लुधियाना की सब तो शक्तिशाली महिला यानी कि साढ़े मंत्री भारत भूषण आशू जी की वाइफ तो कौंसलर ममता आशू वालों वह खुलासा किया गया, तो ही उन्होंने इस मुहिम में सब तो पहला शुरू किया साढ़े कॉलेज टाइम के क्लासमेट तो हलका पूर्वी के MLA संजय तलवार जी के इलाके के। अज आत्म निर्भर भारत स्कीम के तहत जरूरतमंद प्रवासी मजदूर और या ऐसे लोग जेडे कि रोजी रोटी तो वांझे हो चुके हैं और काम कार कोई उन्हां कोल नहीं है, उन्हां लोगों नू आत्म निर्भर भारत स्कीम के अधीन राशन मुहैया कराने की स्कीम की शुरुआत की गई, और साडे MLA साहब संजय तलवार इन्हां दे हल्के ईस्ट तो यह शुरुआत हुई है। 5,83,000 परिवारों नू इस स्कीम के अधीन लाभ मिलना है और पूरे पंजाब के 14 लाख परिवारों नू यह स्कीम के तहत मदद मुहैया कराई जाएगी, जिदे विच प्रति व्यक्ति 10 किलो आटा और 1 किलो दाल और 1 किलो चीनी होएगी। सारे जड़ा कि यह काम कर रहा है साढ़े
फूड डिपार्टमेंट के सहयोग न और डिस्ट्रिक्ट जी साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सहयोग न निपटे चाड़िया जाएगा। धन्यवाद। हमारा नाम सुनीता देवी है। पंजाब सरकार का धन्यवाद है, हमको आज राशन मिला है। पंजाब सरकार ने आज राशन दिया है, पंजाब सरकार का थैंक यू। देवी बोल रहे, मैं रूबी देवी बोल रही हूँ। आज हम लोग, हमको पंजाब सरकार राशन दिए हैं, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा नाम अंजीत कुमार भींदे जी। पंजाब सरकार ने मुझे राशन दिया, पंजाब सरकार का धन्यवाद। जिला प्रशासन के वलों 200वीं ट्रेन को बिल्कुल फुलों के नाल सजा के जिन्हें प्रवासी भैन भाई से उन्होंने रवाना किया गया। तो बहुत वड्डा योगदान लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर तो उन्होंने टीम के वलों एक किया जा रहा है इन लोगों की सेवा के लिए। यही कहांगे कि कुछ होर भी खबर थोड़े लिए ने जड़िया पे साढ़े फेसबुक पेज वॉइस ऑफ एशियंस से उन्होंने लाइक कर दो, तो साढ़े यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एशियंस को भी सबसक्राइब जरूर कर दियो। कल फिर हाजिर होवे थोड़ी सेवा दे विच। नमस्कार।